हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डायनेमिक चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डेमो दे दे रहा हूं कि यह जो है किस प्रकार से यहां पर काम करता है। तो देखेंगे कि सेलेक्ट कंट्री नेम लिखा गया है, जो भी सेलेक्ट यहां से कंट्री नेम क्लिक करेंगे आपको, तो यह वहां से आपको ये डायनेमिक चार्ट क्रिएट करके आपको ऑलरेडी यहां पर दे देगा। अब देखेंगे कि माउस नेम यहाँ पर लिखा गया, तो माउस का सोल्ड यहाँ पर कितना हुआ है, तो यह देखेंगे कि माउस के हिसाब से आपको यहाँ पर दिया गया है 4 पॉइंट, ओके। और यहाँ पर टोटल सोल्ड क्वांटिटी, जैसे कि इंडिया क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा इंडिया, और यहाँ पर भी आप लोगों को इंडिया दिखाई देने वाला है। और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और अदर कंट्री, तो यह आपको अदर कंट्री का नाम दिखाई देगा यहाँ पर, और यह आपको अदर कंट्री के हिसाब से आपको डायनेमिक जो है चार्ट यहाँ पर क्रिएट करके देने वाला है, ओके। तो इसी तरीके से आप लोग किसी भी कंट्री के नाम चेंज करेंगे उसके हिसाब से यह डायनेमिक चार्ट यहाँ पर क्रिएट करके देगा। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, अगर इसको सीखने का इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, इससे जो भी हमारा वीडियो बनेगा आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो यहाँ पर एक जो है हम नया शीट यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। नया शीट में हम लोग यहाँ पर टाइप किया है सीरियल नंबर, और यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, यहाँ सिटी आपका किस सिटी में आपका यहाँ पर यूज हो रहा है, और ये आपको कंट्री दिया गया है, और यहाँ पर आपको दिया गया है सोल्ड क्वांटिटी। इस क्वांटिटी के हिसाब से हमारा जो है वहां पर डायनेमिक चार्ट पर यही आपका क्रिएट कर रहा था पॉइंट। तो एक काम करिएगा, यह तो आपका एक शीट पर हो गया, दूसरी शीट पर आप लोग को टाइप करना है डायनेमिक चार्ट। तो यहाँ पर रीनेम में आप लोग डायनेमिक चार्ट लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप ऊपर में जो पहले सेल है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूमिंग कर दे रहा हूं, यह आपको यहाँ पर लिखना है सेलेक्ट सेल नेम। क्या लिखना है? सेलेक्ट सेल नेम। तो मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूं सेलेक्ट सेल नेम, यह टाइप करने के बाद आपको देखेंगे कि यह सेल जो है ए से आपका यहां पर आ रहा है सी तक, तो आप इसको जो ड्रैग करके इतना बड़ा आप लोग कर सकते हैं। अब यहां पर इसको जो भी कलर देना चाहते हैं तो यहां से कलर आप लोग दे सकते हैं। चलिए तो हम यहां से कलर दे दे रहे हैं, और इसको बोल्ड भी कर दे रहे हैं, और थोड़ा से जो है इंक्रीज कर दे रहे हैं। फॉन्ट स्टाइल जो है हम यहां से जो है चेंज कर लेंगे। ये आपका हो गया यहां पर। अब आप लोगों को प्रोडक्ट नेम टाइप करना है, तो जो आप लोगों को प्रोडक्ट नेम यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर जस्ट बगल में यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पर मैं टाइप कर दे रहा हूँ प्रोडक्ट नेम। अब यहाँ पर प्रोडक्ट नेम में टाइप करने के बाद इसको भी कलर फिल कराना है, तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सेलेक्ट कंट्री नेम पर, और यहाँ फॉर्मेट पेंटर मिल जाएगा, यहाँ पर क्या करना है क्लिक कर देना है। सेम कंडीशन यहां पर क्लिक करेंगे, और यह भी देखेंगे कि आपको एडजस्ट होकर के मिल जाएगा, ओके। अब आप लोगों को यहां पर डाटा वैलिडेशन बनाना है, तो डाटा वैलिडेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा डाटा में, और डाटा में जाने के बाद देखेंगे यहां पर आपको डाटा वैलिडेशन मिल जाएगा, क्लिक करना है, और यहां से आपको जो एनी वैल्यू कैन से लिस्ट सेलेक्ट करना है, और सोर्स पर जाने के बाद आपको डाटा सीट पर जाना है, और यहां से कंट्री नेम सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री नेम सेलेक्ट करने के बाद यहां से ओके कर देंगे, तो यहां पर जैसे यहां क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे कि इंडिया इंडिया आया है, और इंडिया यहां पर भी दिख रहा है। तो क्या आप लोग यहां पर काम करेंगे, यह आपको जो है डुप्लीकेट भी एंट्री यहां पर दे दे रहा है, एक नाम से अगर कई नाम दे दे रहा है, तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे, इस डाटा वैलिडेशन को यहां से रिमूव कर लेंगे। तो डाटा वैलिडेशन को रिमूव करने के लिए आप लोग फिर से जाएंगे डाटा वैलिडेशन में, और यहां से क्लियर ऑल लिखा गया, क्लियर ऑल क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो यह आपको जो है यहां पर गायब हो चुका है डाटा वैलिडेशन। अब आप लोगों को काम करना है, यहां से जितने भी डुप्लीकेट एंट्री होगी इसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करा देते हैं। तो रिमूव कराने के लिए आपको पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा कंट्री को, कंट्री को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी करना है, और कहीं दूसरी सीट पर यहां पर आप लोगों को कंट्रोल वी कर लेना है। कंट्रोल वी करने के बाद देखेंगे कि आपको जो है यहाँ पर जो भी कंट्री आपका नेम लिखा गया है
यहां पर आ चुका है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट जो है रिमूव करा देते हैं। तो यहां से क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है, इसी तरीके सेलेक्ट कर लेना आप लोगों को है, और डाटा वैलिडेशन के जस्ट बगल में दिया गया है रिमूव डुप्लीकेट। तो यहां पर क्या करना आप लोगों को, क्लिक करना है, और यहां से पूछा जा रहा है कि कंट्री का ही डिलीट करना है, तो आप लोग कंट्री को ट्रिक लगे रख देना है, यहां पर है चेकबॉक्स लगा देना है, और यहां से ओके कर देना है। और जैसे यहां पर ओके करेंगे तो आपको बताएगा 26 आपका जो है यहां पर डिलीट हो चुका है, और यहां पर जो है 4 वैल्यू यहां पर बचा हुआ है। तो यहां से क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखेंगे कि इंडिया हो गया, और यहां पर जो है कंट्री नेम आपका यहां पर दिखाई दे रहा है, और बाकी जो डुप्लीकेट थी एंट्री वो आपका यहां से डिलीट हो चुका है। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट नेम को भी क्लिक करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है, और यहां पर कहीं पर भी क्लिक करके कंट्रोल वी कर लेना है। अब इसी तरीके से यहां पर भी इसको जो है रिमूव कर लेना है, तो यहां से क्लिक करता हूं रिमूव डुप्लीकेट पर, और यहां से ओके कर देता हूं। तो यह भी बता रहा है 25 आपका जो है यहां पर रिमूव हो चुका है। ओके, तो अब यहां पर क्या करना है, तो हम जो है प्रोडक्ट नेम को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद अब आ जाएंगे डायनेमिक चार्ट पर। डायनेमिक चार्ट पर क्रिएट करना है, और जो प्रोडक्ट नेम लिखे हैं इसी के नीचे आपको कंट्रोल वी करा देना है। तो यहां देखेंगे कि प्रोडक्ट नेम आपका यहां पर टाइप होकर के आ गया है। अब यहां पर हमें क्या करना है, क्लिक करना है, और फिर से जाना है डाटा वैलिडेशन में, और डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद यहां से क्या करना है, लिस्ट सोर्स पर आने के बाद आपको जाना है डाटा पर, और डाटा पर जाने के बाद आपको जो कंट्री दिया गया है यहां पर अलग से, इसको जो है सेलेक्ट करना है, और यहां से क्या करना है, ओके कर देना है। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो अलग अलग यहां पर कंट्री नेम आ गया है, इसको जो है क्लिक करके यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर एक जो है ब्लैंक इस तरीके से कर ले रहा हूं, अब यहां पर आप लोगों को जो है खूबसूरत दिखेगा, ये देखेंगे। ओके, तो इंडिया क्लिक कर लिए तो ये इंडिया का आपको दिखाई देगा, अलग क्लिक करेंगे तो अलग भी आपको दिखाई देने वाला है। तो इसको जो है मैं यहां पर थोड़ा से डिक्रीज कर दे रहा हूं, ये आपका काम यहां पर रेडी हो चुका है। अब यहां पर आप लोगों को काम करना है, यहां पर बारी बारी सेलेक्ट करके आपको बॉटम बॉर्डर को यहां पर अलग अलग यूज करना है। तो मैं यहां पर सेलेक्ट करके बॉटम बॉर्डर यहां पर लगा दे रहा हूं, कुछ इस प्रकार से लगेगा, थोड़ा सा जो है बेहतरीन आप लोगों को दिखेगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देंगे, यहां पर देखेंगे ये आपका काम तो हो गया परफेक्ट। इसको भी हम जो है कलर यहां पर दे देते हैं, जो भी कलर आपका रहेगा यहां पर आपका मेंशन हो जाएगा। अब आप लोगों को एक काम करना है, यहां पर आपको एक छोटा सा फार्मूला लगाना है, तो इसको जो है मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, ये काम हो गया यहां पर। अब यहां पर आपको टाइप करना है इक्वल डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर टोटल, टाइप करना क्या है, टोटल सोल्ड क्वांटिटी, यह काम हो गया। अब यहां पर आपको जो है स्पेस देना है, क्या करना है, स्पेस देना है दो बार, और डबल इनवर्टेड कॉमा लिखना है, और एंड का फॉर्मूला लिख करके यहां पर एंड का सिंबल दे करके आपको क्या करना है, इंडिया वाले पर क्या सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे। तो यहां पर देखेंगे कुछ अलग प्रोफार्मा आपको मिल जाएगा। अब इसको जो है हम यहां से कलर कर देते हैं ग्रीन, और यहां से इसको जो है कलर कर देते हैं व्हाइट, और यहां पर बोल्ड कर देते हैं, और फॉन्ट साइज थोड़ा सा यहां पर इंक्रीज कर देते हैं। अब फॉन्ट स्टाइल अगर अलग चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप लोग जो है चेंज भी कर सकते हैं। तो यहां पर मैं चलिए यहां कर दे रहा हूं टोटल सोल्ड क्वांटिटी, ये आपका काम हो गया। जैसे ही यहां पर क्लिक करके चेंज करेंगे तो यह ऑटोमेटिकली यहां से चेंज होता रहेगा। चलिए तो यहां पर दिखा दे रहा हूं मैं चेंज करके, ये ऑटोमेटिकली यहां पर काम करता रहेगा। अब यहां पर माउस के सामने फार्मूला टाइप करना है आप लोगों को इक्वल सम इफ, आप देखेंगे कि सम इफ आ रहा है और एक यहां पर सम इफ्स आ रहा है, तो आप लोगों को टाइप करना है सम इफ्स क्वेश्चन आन, इतना काम करना। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है रेंज, तो रेंज में आप लोगों को क्या करना है, चले जाना है डाटा पर, जो बनाया है डाटा उस पर क्लिक करके आपको जो है सोल्ड क्वांटिटी यहां पर क्या करना है, क्लिक कर लेना है। कुछ इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो यह पूरा आपका जो है यहां पर सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको देना है कॉमा, अब यहां पर देखेंगे कि क्राइटेरिया रेंज 1 पूछा जा रहा है, तो क्राइटेरिया रेंज जो है मुझे यहां पर कंट्री का यूज करना है,
तो कंट्री को सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहां पर क्या करना है, कॉमा लगाना है। अब यहां पर देखेंगे क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया वन दे रहा है, तो क्राइटेरिया वन में आपको क्या करना है, आना है डायनेमिक चार्ट पर और इंडिया को यहां पर जो लिखा गया फ्रांसिस मतलब सेलेक्ट कंट्री नेम लिखा गया है, इसी जो नीचे दिया गया है इसको क्या करना है, क्लिक कर लेना है और इसको F4 से फुल्ली फिक्स कर लेना है। इतना आप लोगों को काम करना है। फुल्ली फिक्स करने के बाद फिर से कॉमा देना है। अब यहां पर देखेंगे क्राइटेरिया रेंज टू पूछा जा रहा है, आप देखेंगे ध्यान से क्राइटेरिया रेंज टू, तो क्राइटेरिया रेंज टू में आपको फिर से जाना है डाटा पर और डाटा पर जाने के बाद आपको जो प्रोडक्ट नेम को क्लिक कर लेना है। प्रोडक्ट नेम को क्लिक करने के बाद कॉमा लगाना है। आप देखेंगे क्राइटेरिया टू पूछा जा रहा है, क्राइटेरिया टू, तो आपको फिर से डायनेमिक चार्ट पर आना है। आप लोगों को क्या करना है, माउस को यहाँ पर प्रोडक्ट नेम के सामने मतलब जो भी आप फार्मूला लगा रहे हैं उसी के ठीक सामने यहाँ पर क्या करना है, क्लिक कर लेना है। अब यहां पर आपको कोष्ठक बंद करना है और एंटर कर लेंगे। तो यहां पर देखेंगे कि 82 आपका जो है माउस यहां पर दिखाई दे रहा है टोटल जोड़ करके। अब यहां पर आपको जैसे यहां पर ड्रैग करेंगे तो ये आपको जो है पूरा यहां पर काउंट करके आपको दिखाने वाला है। अब आप लोगों को यहां पर चार्ट क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा देख लेंगे कि ये जो है आपका चेंजिंग हो रहा है या नहीं। तो यहां पर क्या करेंगे, इंडिया जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे कि ऑटोमेटिकली यहां पर जो है चेंज हो रहा है। तो यहां पर अलग अलग से आप लोग जो है क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अब आप लोगों को जो है इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में जाने के बाद यहां से क्लिक करना है इंसर्ट कॉलम बार चार्ट। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको जो है 2D कॉलम कोई भी यहां से एक जो है यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, क्लिक कर लेता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पर देखेंगे कि जो है ये ब्लैंक आपका आ चुका है। तो ब्लैंक आने के बाद एक काम करते हैं, हम यहां से व्यू में जाते हैं और यह जो है ग्रिड लाइन यहां से हाइड कर देती है। तो यह थोड़ा सा खूबसूरत यहां पर दिखेगा। अब आप लोगों को क्या काम करना है, यहां पर चार्ट एरिया पर क्लिक करके माउस का राइट बटन दबाना है, या तो डिजाइन में जाने के बाद आपको यहां से सेलेक्ट डेटा मिल जाएगा, या तो माउस का राइट बटन यहां पर डायनेमिक चार्ट पर क्या करना है क्लिक करेंगे और यहां से भी आपको जो है सेलेक्टेड डेटा मिल जाएगा। तो आप लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पे क्या करना है, क्लिक करना है और यहां से आपको पूछा जा रहा है चार्ट डेटा रेंज। तो चार्ट डेटा रेंज में आपको माउस से लेकर के रैम तक आपको जो है पूरा एरिया जो है सेलेक्ट कर लेना है और यहां से ओके करेंगे। तो जैसे यहां पर ओके करेंगे तो यह देख चार्ट यहां पर जो है आपका दिया गया है। ओके, अब आप लोगों को काम करना है, ये जो चार्ट टाइटल दे रहा है तो आप चार्ट टाइटल पर क्या करना है, क्लिक करना है और फार्मूला बार में आपको क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल देने के बाद आपको जो सेलेक्ट कंट्री नेम दिख रहा है यहां पर क्या करना है, क्लिक कर लेना है, बस आपको एंटर कर देना है। जैसे एंटर करेंगे तो ये आपको जो है रिजल्ट यहां पर दे देगा। इसको हम जो है ड्रैग करके कॉर्नर पर रख देते हैं, ये आपका काम हो गया। अब इसके जो आउटलाइन हम लोग यहां से हटा देते हैं, तो आउटलाइन में जाएंगे और फॉर्मेट जो है यहां पर नो आउटलाइन कर लेना है। तो ये आपका आउटलाइन यहां पर गायब हो चुका है। अब यहां पर काम करना है, ये जो लाइनिंग दिख रहा है लाइनिंग, तो किसी एक लाइन पर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है और डिलीट बटन का प्रयोग करना है, तो यह आपका जो है रिमूव हो जाएगा। ओके, अब यहां पर दिया गया आउटलाइन इसका, तो आउटलाइन इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे और यहां से लिखा गया है शेप आउटलाइन, तो जो शेप बना है उसका भी आउटलाइन यहां से गायब कर सकते हैं। ये देखेंगे कि आउटलाइन जो है अभी गायब हो चुका है। तो अब यहां पर जो भी कलर आप लोगों को देना है तो यहां से आप लोग जो है कलर यूज कर सकते हैं। तो हम जो है अलग अलग यहां पर कलर दे दे रहे हैं। चलिए, तो यहां पर क्लिक करते हैं, माउस में हम रेड रहने देते हैं और कीबोर्ड में हम यहां से क्या करते हैं, ग्रीन कलर यहां से कर देते हैं ग्रीन, या तो यहां पर क्लिक कर देंगे तो यह भी आपका कलर हो जाएगा। इसके बाद इसको जो है हम यहां से ग्रीन कर देते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लिक करेंगे, जो भी आप लोग कलर पसंद आएगा यहां से कलर जो है फील आप लोग कर सकते हैं। फिर से क्लिक करना है यहां पर है और इसको जो है हम यहां से येलो कर दे रहे हैं और इसको जो है कलर थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, ये कलर ये आपका इस तरीके से। ओके, इतना काम करना है। आप यहां पर किसी एक पर पॉइंट पर क्लिक करना है और माउस का राइट बटन दबा करके आपको मिल जाएगा यहां पर ऐड डेटा लेबल। ऐड डेटा लेबल पर क्लिक करना है, फिर से यहां पर क्लिक करेंगे तो यह देखेंगे
कि आपका जो लेबल है यह टॉप पर दिखाई दे रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, फिर से क्लिक करना है और यहां पर आपको जो है बोल्ड क्लिक कर लेना है, तो यह थोड़ा सा बोल्ड में आपका आ जाएगा। अब यहां पर देखते हैं डायनेमिक चार्ट, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह देखेंगे कि आपका रेंज जो है यहां पर कम हो रहा है और ज्यादा हो रहा है, यह देखेंगे ऑटोमेटिक यहां पर काम कर रहा है, और यहां पर प्रोडक्ट नेम भी आपका यहां पर चेंज हो रहा है। ओके, और इसी तरीके से आप जो है फुल्ली ऑटोमेटिक यहां पर डायनेमिक जो है चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जो लोग चैनल पर हमारे नए जुड़े होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, इससे जो भी हमारा वीडियो बनेगा आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम।